आदाब दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने ये तय किया है कि सहाफ़त के 200 साल जो कंप्लीट हो रहे हैं उस पर नवंबर में वो उसकी यादों के इस खूबसूरत ग्लोरियस सफ़र जो है उर्दू की सहाफ़त का उस पर उसकी यादों पर बात करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। ज़ाहिर है मुझे लगता है कि उर्दू के सहाफ़ियों का हक़ है कि इस जश्न का वो हिस्सा बने, क्योंकि उर्दू वो ज़ुबान है, हिंदुस्तान की ज़ुबान है। इसका पहला न्यूज़पेपर जो शुरू हुआ वो किसी मुसलमान ने नहीं, हिंदू ने इसकी शुरुआत की थी। ये हमारी हिंदुस्तानी ज़ुबान है, जिसने आज़ादी की जंग में जो संघर्ष हुआ, जो उस वक्त स्ट्रगल हुआ, उसको भी बड़ी खूबसूरती से कलम को एक तलवार बनाकर कलम बंद किया था। तो मुझे लगता है कि ये जो खूबसूरत 200 साल कंप्लीट हुए हैं, इसके जश्न को मनाना चाहिए, याद करना चाहिए उन तमाम शायरों को, राइटर्स को भी उर्दू के, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बराबर कोशिश की थी अपने गज़लों के ज़रिए, अपनी कहानियों के ज़रिए, अपने स्लोगन के ज़रिए आज़ादी की लड़ाई को एक ताकत दी थी। उन्हें याद करना चाहिए, याद करना चाहिए हमें मीर अनीस साहब को भी, जिन्होंने बहुत मरसिए में एक अजीम हस्ती हैं, हस्तियों में उनको गिना जाता है। उर्दू लिटरेचर को उन्होंने रिच किया है, और मैं चाहती हूँ कि ये उर्दू सहाफ़त का जो ये 200 साल का सफ़र है, इसका जश्न तो मनाया जाए, लेकिन हम उम्मीद करें, हम कोशिश करें कि ये और ऊंचाइयों पर पहुँचे, और आगे पहुँचे, और इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है पेपर्स के, और पढ़ने वाले भी और आएँ, और इसमें एक तरह का मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस भी लाएं, कि जिससे कि उर्दू सहाफ़त फलती फूलती और आगे बढ़े। शुक्रिया।